वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यहाँ पर हमारा क्विकर ऐप है और यहाँ पर हम उसमें पासवर्ड डालते हैं और लॉगिन करते हैं, तो यहाँ पर लिखाता है इनकरेक्ट क्रेडेंटल्स ट्राई अगेन फॉर यूज़ फॉरगेट पासवर्ड। तो यहाँ पर हम फॉरगेट पासवर्ड कैसे कर सकते हैं, हमारा पासवर्ड जो है वो गलत है तो हमें जो अपने पासवर्ड को चेंज करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो जैसे आप लॉगिन टाइप पर आएंगे और यहाँ पर आपको फिर दिखाई देगा नीचे फॉरगेट पासवर्ड, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका ईमेल आईडी जो है खुद ब खुद ऐड हो जाएगा और यहाँ पर फिर सबमिट पर क्लिक करना होगा आपको। तो जैसे ही सबमिट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देता है लिखा हुआ आता है वी हैव सेंड वेरिफिकेशन ईमेल टू, आपकी जो आईडी है वो आएगी और वहाँ पर आपको क्लिक करना होगा लिंक पर और अपना पासवर्ड बना लेना होगा। तो उस जो है हमें हमारे ईमेल आईडी पर एक फॉरगेट मेल आया होगा, उस पर हम डायरेक्टली चलते हैं। तो जैसे मैं बैक करता हूँ तो ये रहा हमारा जीमेल जो ऐप है उस पर, ये रहा यहाँ पर हमें इसके अंदर जाना होगा और जो हमारा मेल है वो यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर लिखवा रहा है चेंज योर क्विकर पासवर्ड और नीचे यहाँ पर आपको लिंक दिखाई देगा चेंज पासवर्ड का। तो चेंज पासवर्ड पर जैसे ही क्लिक करते हैं हम तो यहाँ पर आपको किसी भी साइट को खोल लेना होगा, जैसे क्विकर ही कोई खोल लेते हैं यहाँ पर डायरेक्टली। तो यहाँ से आपसे कह रहा है कि पासवर्ड बनाइए न्यू पासवर्ड, आपको न्यू पासवर्ड बनाना है और उसके बाद उस पासवर्ड को कंफर्म कर देना है और जैसे ही आप कंफर्म करेंगे उसके बाद वो सबमिट पर क्लिक कर दीजिए और वो डायरेक्टली आपको होम पेज पर इसके लिए आएगा। अब यहाँ पर आपको लॉगिन करना पड़ेगा, अब ईमेल आईडी जो है आपकी वो तो आपको डालनी पड़ेगी जिससे आपने फॉरगेट किया है, ठीक है। और पासवर्ड आपने अपना अभी खुद बनाया है नया तो वो आपको पासवर्ड भी चेंज हो गया, वो आपको मिल गया। उस पासवर्ड को डालने के बाद लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो अकाउंट है वो लॉगिन हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है पासवर्ड को फॉरगेट करने का। अगर यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।